श्लोक महला पहला। विस्माद नाथ विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे पराणी विस्माद संजोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। सतसंग जी, गुरु साहब इस श्लोक विच मनुख नूं महसूस होण वाले बेगिणत रसां बारे गल कर रहे हन। ये अनुभव मनुखा जीवन विच की असर पाउंदे हन। बेगिणत रस हन अते पुरातन समयां तों इन्हां दी गिणती बेगिणत ग्रंथां विच कीती है, पर फिर भी असीं पूरी नहीं कर सकते। बेशुमार जी पैदा कीते हन, हरेक दा जीवन भी वक् वक् है, उन्हां दे रूप भी अलग अलग, रंग भी वक्रे वक्रे हन। कई जीव नंगे ही फिर रहे हन, हवा पानी दा ही पता नहीं लग रहा कि किवें चल रही है। किते कई तरह की अग्नि अपने कौतक दिखा रही है। समुद्र विच अते धरती उपर जीवां दी चार तरह उत्पत्ति हो रही है। ये सब कुछ सोच के, सब कुछ देख के मन अंदर एक किस्म की चुनकाट जी पैदा हो जाती है अते सिर जाम हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मनुखी सोच तो बाहर है। बेअंत जीव पदार्थां दे स्वाद विच लगे हन। किते जीवां दा मेल हो रहा है, किते विछोड़ा पै रहा है, अते किते जीव पदार्थां दा भोग कर रहे हन। कई जगह उपर जीव भुख नाल मर रहे हन, किसी जगह उपर उस प्रभु दी सिफत सलाह हो रही है, किते उजाड़ पई है, किते जीवन लई नवें नवें रस्ते लभे जा रहे हन। ये अचरज खेड के मन हैरान हुंदा है। कुछ लोग रब परमात्मा नूं अपने विच अपने लागे समझदे हन, कई बहुत दूर, कई इस तों वी मुनकर हन। कोई आखदा है परमात्मा सब विच आप विच रहा है अते सब दी संभाल कर रहा है। इस आश्चर्य कौतक नूं देख के मन अंदर कंबणी आउंदी है अते दिमाग सुन्न हो जांदा है। हे नानक, इस नज़ारे नूं वड्डे भागां नाल ही देख सकीदा है अते परमात्मा दी किरपा द्वारा ही इस दा आनंद माण सकीदा है। सतसंगत जी, आओ मिल के भाव अर्थ समझिए। इत्थे गुरु जी मनुखी मन दी ओह अवस्था दा बयान कर रहे हन जिस नूं दूसरा मनुख नहीं समझ सकदा। बेगिणत किस्म दे रस हन जो जीव लै रहा है, ओ ही उस रस नूं माण रहा है। उस बारे असीं सोच भी नहीं सकते। कई बार असीं अपना आप ही भुल जाईदा है। जो मनुख प्रभु परमात्मा दे नज़ारे देख के हैरान हुंदे हन, ओ एक अजिहा रस है मनुख अपना आप ही भुल जांदा है। उस वेले साडी होमे खत्म हो जाती है। असीं करन बारे ते बहुत कुछ सोचते सी, जदों उस प्रभु की शक्ति नूं देखीदा है तां फिर सोच आउंदी है कि मनुखी शक्ति तां उस परमात्मा की शक्ति बराबर तां किनका भी नहीं है। असीं तां खुद उस परमात्मा दे रहम ते चल फिर रहे हाँ। छोटे जिहे बोर्ड दे बीज तों इन्ना वड्डा दरख्त बन जाना, फुल्लां विच अनेक किस्म दे रंग आ जाने, मारूथल विच वाटरमैलन मिठे पानी नाल भर जाना, बेगिणत किस्म दे रस
जो जीव मान रहे हैं उन्हां बारे सिर्फ वो आप ही जान सकते हैं। पतंगे बारे ही सोच लवो कि उसनू आग विच सड़ के की मज़ा आउंदा है। सिपाही नू जंग विच वीर रस किवें लड़न का हौसला दिंदा है। सतसंग जी जीवां दी पैदाइश बारे ही सोच के देख लवो, आप ही हैरान कर देवेगी। अग्नि बारे ही सोच लवो, समुंदर थले भी अग्नि है, समुंदर विच भी ज्वार भाटे आ जाते हैं, धरती थले भी अग्नि है, जंगल की अग, सूरज की अग, आसमानी बिजली, पेट की अग जो साडा भोजन पचाउण विच मदद करती है, चिंता की अग जो मनुख का जीवन ही खत्म कर देती है। गुरु जी सानू याद करा रहे हैं कि सानू उस परमात्मा की शक्ति नूं सदा याद रखना चाहिए है, फिर ही साड़ी होमे नूं सट वजदी है। समुची गुरबाणी सानू उपदेश करती है कि होमे नूं भुल के असी उस अगमी शक्ति वल ध्यान करिए। ये बुद्धि समझ भी प्रभु ने ही सानू दित्ती है। साडे पिता जी हमेशा ये कहिंदे सन कि बुद्धि किसे दे प्यो दी है। इंसान का फर्ज है सच नूं समझण विच लग जावे अते जो हो रहा है उसनू हस के स्वीकार करे, आत्मा की आवाज़ सुने अते उस प्रभु की कृपा का पात्र बने, उस दी सिफत सलाह विच लग जावे। ये रस साडी ओ हालत है जदों असी कुदरती नज़ारा देख के साडे अंदरों आवाज़ आउंदी है वाह 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 आखदे हाँ। महला पहला, कुदरत दिसे कुदरत सुनिए, कुदरत पौ सुख सार, कुदरत पताली आकाशी, कुदरत सर्ब आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्ब विचार, कुदरत खाना पीना पहनण, कुदरत सर्ब प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक, नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताक। सतसंग जी जो भी साड़ी समझ तो उपर है वो कुदरत है, जो सानू दिस रहा है, जो कुछ असी सुन रहे हाँ, ये सब कुछ उसकी कुदरत है, उसकी खेड है। जदों मनुख दे श्वास निकल जाते हैं फिर वो ही अखां वो ही कान ना कुछ सुन सकते हैं ना ही अखां देख सकदियां हन, ये सब उसकी कुदरत दी ही खेड है। ये प्यार भरिया भाव भी तेरी कुदरत करके है, जिस करके मनुखा जीवन विच सुख मान रहा है। धरती थले जा धरती अंदर अते धरती उपर आकाश विच सब तेरी कुदरत है, जो भी आकार दिस रहे हन ये भी तेरी हैरान करन वाली खेड है। पुरातन वेदां ग्रंथां विच भी तेरी ही सिफत कीती है कि किवें समय समय उपर बदलाव आउंदे रहे हन। सब ग्रंथ तेरी अपार शक्ति का ही वर्णन करते हैं, तेरे करके ही सब खाण पीण की विधि प्रक्रिया चल रही है, जगत का पहनण अते सारा कारोबार अते जीवां दा पदार्थां प्रति प्यार भी तेरा ही पैदा किया होया है। तू आप ही जीवां नूं वख वख जातां किस्मां विच पैदा किया होया है। परमात्मा वल्लों ही चंगे काम कराए जा रहे हन अते मंदे भी तेरे करके ही हो रहे हन। कुछ जीव तेरी कुदरत दा मान करदे हन अते
खुश हन अते कुछ अभिमान भाव हंकार विच हौमे दे रोग तों दुखी हन। कुदरत करके ही हवा पानी अग्नि अते मिट्टी बनी है। हे प्रभु तू ही सारी कुदरत दा आप ही करता है। इस सब कुछ नूं समझन वास्ते उस दे भाणे हुक्म विच रह के जो सब कुछ हो रहा है उस नूं तकन वेखण विच ही आनंद है, मज़ा है। सतसंग जी दास पहला भी दस आया है कि जो भी साड़ी समझ तो बाहर है वो ही कुदरत है। गुरबाणी जो गुरु साहिब संतां भगतां दी आत्मा दी आवाज़ है। गुरबाणी सानू आत्मा दा एहसास कराउंदी है। जो सानू दिस रहा है सुन रहे हाँ साडे आले दुआले सब कुदरत ही है। इस तों अगे जदों असीं इह सोचदे हाँ कि साडियां अक्खां कन्न किवें काम करदे हन होर हैरान हो जाईदा है। इस दैवी शक्ति बारे सोच के असीं नाद अवस्था विच जा के आनंद महसूस करते हाँ। भावें उसकी शक्ति नूं सोच के डर भी लगता है पर वो डर वैर विरोधी नहीं लगता। उसके भाणे अंदर आनंद ही है। धरती दे थले की कुछ दबिया पिया है सब धातां तरल गैसां सब कुछ ही हैरान कर दिंदा है। जदों असीं उपर आकाश वल ध्यान करते हाँ अते उस करता दी शक्ति बारे सोचते हाँ होर हैरान हो जाईदा है। चंद सूरज तारे की कुछ आकाश विच है अते किवें एक निजम विच बजे पए हन। ये सारा ब्रह्मांड उस प्रभु दा आकार है। ये सब सिर्फ एक है अते सब कुछ उसका शरीर है। मनुख ने उसका आनंद मानना शुरू कर दिता। उसने अपने ग्रंथों विच भी जिक्र करना शुरू कर दिता। मनुख की सारी सोच सारे विचार कुदरत दुआले ही घूमते हैं कि किवें कुदरती साधना नूं वरत के जीवन विच वध तों वध सुख प्राप्त कर सकीए। जो भी असी खांदे पींदे हंडा रहे हाँ जो प्यार अते खिच इन्हां पदार्थां प्रति साडे विच है वो भी उस कुदरत ने ही पैदा कीती है। जो प्यार अते खिच नर अते मादा भाव मर्द अते औरत विच पैदा कीती है वो भी कुदरती ही है। हे प्रभु तू किन्नी किस्म दे जीव जंतु पैदा कीते हन अते उन्हां विच अगे किन्नियां ही जातां पैदा करना भी तेरी ही खेड है। इन्हां सभनां नूं जो भिन्नता तों दित्ती है उस नूं मनुख सोच भी नहीं सकदा। हरेक पौधा हरेक जीव वक्खरा है। हरेक मनुख दूसरे वर्गा नहीं है। जिन्ना चिर पौद्यां जीवां विच जान है उन्ना चिर ही जहान है। ये आत्मा भी उस प्रभु वल्लों ही दित्ती गई है। चंगी अते माड़ी बुद्धि भी उस परमात्मा वल्लों ही दित्ती गई है। कुछ लोग उस प्रभु करके मान महसूस करते हैं अते कुछ लोग हंकारी हो के उस कुदरत दे विरुद्ध भी हो जाते हैं अते हौमे अंदर ही जीवन खत्म कर लेंदे हैं। सतसंग जी जीवन अते मौत भी उस दी ही खेड है। सब कुदरती है। हवा पानी बारे ही सोच लवो फिर अग बारे ही सोच लवो सब कुछ साड़ के धरती विच मिला देंदी है। ये सब तेरी खेड ही है कुदरत है। हे प्रभु ये सब तेरी वडियाई है जो उत्तम सच्ची सुची है। तू आप पवित्र हस्ती है। ये नानक सिर्फ भाणा मनन विच ही उस दियां खुशियां प्राप्त कर सकते हाँ जी। दुनियावी पदार्थ भावें उस वल्लों ही मिले हन पर मनुख इकट्ठे करके हंकारी हो जाता है। जदों मनुख अपने आप नूं करता समझ लग जाता है ये भुलेखा ही उस नूं सच तों दूर कर दिंदा है। हरेक जीव जंत बनस्पति नूं प्यार सत्कार देना ही असली आनंद है।
गुरु गोबिंद सिंह जी भी कुदरत नूं समझण लई प्रेम दा एहसास ही इको एक साधन दस रहे हन। पौड़ी आपी ने भोग भोग कै होए भसमड़ पौ सदाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घत चलाया। अगे करनी कीर्त वाचिए बै लेखा कर समझाया, थाओ ना होवी पौदी हुण सुनिए क्या रवाया। मन अंधे जन्म गवाया, मन अंधे जन्म गवाया। ओ प्रभु परमात्मा आप ही जीवां दा रूप धारण करके पदार्थां दा रंग माणदा है अते अखीर विच शरीर नू मिट्टी दे ढेर दे रूप विच छड के चला जांदा है। बचपन तों वड्डा हो के जदों दुनियावी सोच आई फिर तां माया दा जाल आप ही अपने गल विच पा लिया। आउण वाले समें विच साडे पिछले कम्मां दा लेखा लिया जांदा है। हुण जदों छित्रां दी मार पैंदी है कोई जगह अजिही नहीं जिथे जा के मनुख बच सके। उस अंधे मनुख आदमी ने जीवन रूपी समा गवा लिया है। सतसंगत जी आओ मिल के पाव अर्थ समझन की कोशिश करिए। जो कुछ भी है जो कुछ भी हो रहा है ये सब उस कर्ता की खेड है। प्रभु परमात्मा आप ही जीवां दा रूप धारण करता है अते आप ही पदार्थां दा भोग करता है भाव स्वाद माणदा है। सेज भी वो आप है, सेज माणदा भी आप है, इस्त्री भी वो आप है, मर्द भी वो आप है, अपने आप दा भोग भी वो आप खुद कर रहा है। जदों आत्मा शरीर नूं छड्ड के चली जाती है फिर शरीर मिट्टी दी ढेरी रह जाता है। नर मकड़ी अते मादा मकड़ी दी ही अचरज खेड देख लवो। जब मादा फीमेल मकड़ी गर्भवती हो जाती है फिर आप ही नर मेल मकड़ी नूं खा जाती है। सतसंगत जी यही फार्मूला चल रहा है अते चलता रहेगा। जीव जीवां दा भोग कर रहे हन अते अगे होर जीव पैदा हो के फिर वह भी मिट्टी की ढेरी बन रहे हन। इस खेड नूं समझण लई समुंदर वल ही वेख लवो। जीव ही एक दूजे का आहार भाव भोजन बन रहे हन। जंगल विच किसी वड्डे आकार के पशु मरन तों बाद कुछ दिन बाद उसके मास विच्चों ही छोटे छोटे कीड़े पैदा हो के उसके मास नूं खा के छेती ही मिट्टी हो जाते हैं। धरती का पदार्थ मैटर सदा बराबर रहिंदा है। सतसंगत जी इस पौड़ी राही गुरु जी सानू यह समझाते हैं कि इंसान भाव सानू पदार्थों के भोजन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए सगों आत्मा का एहसास करना जीवन का असली मनोरथ होना चाहिए है। ठीक है दूसरे जीवों का जीवन इन चल रहा है पर इंसान नूं आत्मक सोझी भी है वह आप कराउंदा है। बचपन तो बाद जदों मनुख नूं दुनियावी सोझी आउंदी है फिर अपने मन पिछे लग के अपनियां काम वासनावां खाशां दी पूर्ति लई 24 घंटे 7 दिन लगा रहिंदा है भाव सारा समा पदार्थां दी पूर्ति लई ला दिंदा है। कुछ साल पहलां भाई अमरजीत सिंह जी ईरान वाले नाल गलबात होई जिन्हां दा परिवार 18वीं सदी तो उत्थे रह रहे सन। 1978-79 विच जदों शाह ईरान दा तख्ता पलटिया उन्हां नूं ईरान छड के दुबई जाना पिया। ईरान विच भी उन्हां दा कारोबार बहुत सी फिर दुबई विच भी बहुत वड्डा कारोबार कर लिया। अजकल वो इत्थे साडे कोल रह रहे हन अते खुशहाल हन कि अखीर विच सानू परमात्मा ने सोझी
ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੌਣਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਰਿਗਰੈਟ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਸੋਝੀ ਲਈ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਣੀਏ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੀਏ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।